हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वापस स्वागत है हमारे रहमान स्टडीज में। आज हम लोग चैप्टर 11 आई से वर्ल्ड का टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स एक्सरसाइज 11 बनाऊंगा। उसमें आप लोग पहले एक चीज़ देख लीजिए, अपनी अपनी बुक खोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, वो गलत है, उसको आप लोग खा दीजिएगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। ये आंसर जो 8 का है वो गलत है, ये होगा 1/3। ये नहीं होगा, वो 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है, आप लोग ये सब कलेक्ट कर लीजिए, फिर हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 11 में लगभग लगभग 27 क्वेश्चन है, तो मैं 27 क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। और पहली बात की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको निकाल लेना आंसर, जो काफी सिंपल है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग 1 से लेकर 19 तक कीजिएगा, उसके बीच में कहीं भी दिक्कत होगा उसे पूछ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर cos 30 + cos 60 sin 30 ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग को तो सबसे पहले सबका वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू मालूम नहीं होगा तो हम लोग कोई नहीं बना पाएंगे। जैसे sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, sin 30 का होता है 1/2, cos 60 का होता है 1/2। तो ये आपको निकल गया 3/4 + 1/4, दैट इज 1। ऐसा ही सिंपली सब में आपको वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से लेके सब में वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग देख लीजिएगा, उसका आंसर दिया हुआ 2/3, वो गलत है, वहां पे 1/3 होगा, 1/3। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 सब ठीक है, सब में से वैल्यू पुट करना है। आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को आखिर में देखना कि दोनों है इक्वल, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कीजिएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिएगा वैल्यू डाल के, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व किया वैल्यू डाल के, आपको आपका मिल जाएगा आंसर। एक बात और, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें आप लोग को एक वैल्यू 30 डिग्री लेना है, अभी आपका tan 2a इक्वल टू tan 60 डिग्री हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 लेंगे, 2 × 30 60 डिग्री हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू लेना, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें सबका वैल्यू दिया है, आप सबका वैल्यू पुट कीजिएगा, और बोलता है कि प्रूफ करना है a + b 45 डिग्री है, उसके लिए क्या करना होगा, tan a + b का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो tan a + b इक्वल टू tan 45, क्योंकि tan 45 पे वैल्यू उसका 1 होता है, तो यहां से tan में खत्म हो जाएगा, तो a + b हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, वो खत्म नहीं होता, वो उसको डिस्पेक्टिव टू लिखते हैं कि दोनों साइड इक्वल है, तो ऐसा कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप a का वैल्यू लीजिएगा 30, उसमें cos हुए वहाँ पे 60 होगा, उसका वैल्यू दिया हुआ, सब का आपका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19 तक, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के आगे सॉल्व करते हैं। मैं 20 बना दे रहा हूँ, जैसे कुछ सेम टू सेम है 21 और 22, आप लोग सब देख के बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी द राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल 90 डिग्री एट बी, ए बी सी एट 90 इट इज बी, दिस क्वेश्चन नंबर 20, ओके, एंड इट इज गिवन एट एंगल ए इज 20 एंड ए सी इज 20 सेंटीमीटर, एंगल ए इज 30 डिग्री एंड ए सी इज 20 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड सी बी एंड ए बी। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका है कि हम लोग को दिया हुआ है ये एंगल, एंगल के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस चाहिए और बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो वो कहाँ आता है, वो आता है साइन से, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हम लोग साइन थीटा अगर हम लोग मान लेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 परपेंडिकुलर क्या होगा, सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए सी सी बी अपॉन ए सी, और साइन 30 का वैल्यू हम लोग मालूम दैट इज 1/2, तो साइन 30 1/2 इक्वल टू सी बी बाई ए सी, सी बी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं सी बी है पी, ए सी का है 20 डिग्री, तो हो गया पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू सी बी, सी बी हम लोग को मिल गया 10 सेंटीमीटर। उसी तरह हम लोग निकालेंगे ए बी, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी बाई ए सी, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, दैट इज बी अपॉन 20, और cos थीटा वैल्यू है √3/2, दैट इज बी बाई 20, तो बी को वही रखेंगे, बी इज इक्वल टू √3 × 20/2, 2 से 20 या 10 बार में, दैट इज 10 √3, इसका मतलब हो गया
ए बी इज इक्वल टू 10 रूट 3 सेंटीमीटर, वही यहाँ पे हम लोग 2 से जो काट दिया गया। तो इस तरह सिंपली हम लोग निकाल लिए ए सी एन ए बी का बी एन सी बी एन ए बी का वैल्यू। उसी तरह सेम टू सेम आप लोग निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 सेम टू सेम उसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अब थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक करके छोड़ देंगे। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि ये सब वैल्यू आप लोग को मुझे याद होना चाहिए। मैं इसका ट्रिक ढूंढ रहा हूँ, ट्रिक ढूंढ के मैं आपको इसका ट्रिक ही बता दूंगा एक दो वीडियो बाद, एक बजाय कैसे मुझे याद हो जाए। लेकिन कोशिश कीजिए कि पूरा आपके दिमाग में ये टेबल बैठ जाए, कहीं भी हो कहीं फट से क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और थैंक यू, और अगली वीडियो में आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड थैंक यू, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो आप प्लीज़ इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत फर्क मिलता है। और कमेंट लिखिए कि आपको आगे कौन चैप्टर चाहिए या कहाँ डाउट है, और अपने बच्चों लोग से शेयर कीजिए क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का वक्त चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। सब लोग घर पर रहिए और हमारा क्लासेस कीजिए। हेल्दी एंड फिट रहिए एंड डू वेल इन योर स्टडीज। थैंक यू।